नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। बात कर रहे हैं भैया टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज, जो कि आपके डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर नंबर 6 है। तो भैया यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले हम लोग टीचिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स की, और यहाँ से मान के चलिएगा इस यूनिट 1 से ही आपको कुछ नहीं तो कुछ आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपको यूनिट 1 से ही देखने को मिलेंगे। और अगर हम नंबर की बात करें तो कम से कम 10 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा यूनिट 1 से। बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जैसे कि 3 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, कहते हैं स्टेजेस ऑफ लर्निंग, तो इसमें आपको याद रखना रहता है कि स्टेजेस ऑफ लर्निंग पूछेगा या टेक्निक्स पूछेगा, देन आपको क्या क्या लिखना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ लर्निंग की, तो हम कहेंगे सीखने के चरण। क्या कहेंगे? सीखने के चरण। तो इस पर अगर हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं सीखने की प्रक्रिया को कई चरणों में विभाजित किया गया है, और ये आपके चारों सीखने के चरण होते हैं, आपका एक्विस्टेशन, मेंटेनेंस, फ्लुएंसी और जनरलाइजेशन, यानी कि अर्जन या जिसको हम लोग अधिग्रहण भी बोलते हैं, रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस, फ्लुएंसी यानी कि प्रवाह और जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण। हम कहते हैं भाई जो सीखना है वो हमारी आदत और ज्ञान, इसकी अभिवृत्ति का अर्जन है, तो क्या कहेंगे, वो कहलाता है हमारा सीखना। सीखने की प्रक्रिया को कई चरणों में विभाजित किया गया। प्रभावी चरण आपके अधिग्रहण, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि नए कौशल या ज्ञान से परिचित कराना। हम जब बच्चे को सिखाते हैं तो नया ज्ञान या नया कौशल उसको हम उससे हम क्या कराते हैं, परिचित कराते हैं, और जब बार बार उसको हम दोहराते हैं, बार बार उसको रिपीट करवाते हैं, तब बच्चा क्या करता है, उस चीज़ से या उस कौशल से, उस ज्ञान से क्या हो जाता है, परिचित हो जाता है। बार बार हम नई तरीके से जानकारी जो है उस कौशल से बच्चे को अवगत कराएंगे। क्या करेंगे, निर्देश जो देंगे बच्चे को वो क्या करेगा, उसको हम मॉडलिंग के माध्यम से, प्रतिक्रिया आवश्यकता के माध्यम से दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा अधिग्रहण कहलाता है, एक्विस्टेशन कहलाता है या हमारा अर्जन कहलाता है। अब हम बच्चे को क्या किए, बच्चे को उसको हम कॉन्सेप्ट बता दिए, एक बार सिखा दिए, दूसरी बार सिखा दिए, बच्चा अब उसके बारे में सीख गया, यानी कि बच्चा धीरे धीरे करने लगा, और जब बच्चा धीरे धीरे करने लगा तो भैया क्या, उसने क्या कर लिया, रख रखाव कर लिया, उस चीज़ को क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया, मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं, मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं, कहते हैं यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी समय के साथ कौशल या ज्ञान को बनाए रखे। जो हमने पहला चरण अपनाया था अर्जन का, उसके बाद में दूसरा चरण आपका मेंटेन, यानी कि जो चीज़ें बच्चे को सिखाई गई वो उस ज्ञान को, उस कौशल को बनाए रखे, याद रखे। ये क्या करते हैं, यह चरण कौशल का अभ्यास करने पर केंद्रित करता है, ताकि इसे प्रारंभिक सीखने के चरण के बाद में बनाए रखा जा सके और उचित रूप से इसका उपयोग किया जा सके। शिक्षार्थी क्या होगा, अधिक स्वतंत्र होगा। और अब क्या करेंगे हम लोग, तीसरे चरण का अगर प्रयोग करेंगे तो तीसरा चरण हमारा होगा प्रवाह। अब क्या बच्चे ने किया कि भाई उसको याद रखा, याद रखा तो अब धीरे धीरे कार्य को करेगा, याद रखेगा तो धीरे, फिर दूसरा, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप। अब क्या करना है, उसको उस कार्य को तेजी से करवाना है, बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ में, प्रवाह के साथ में, बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ में, प्रवाह के साथ में कार्य को करवाना है, यानी कि कौशल को सटीक और तेजी से निष्पादित किया जाएगा, कौशल को सटीकता से और तेजी से निष्पादित किया जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर हम दे देते हैं, कहते हैं भाई कि हम बच्चे को क्या, साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, तो हमने बच्चे को नई क्रिया से परिचित कराया कि आपको साइकिल चलाना है, तो वो आपका कहलाएगा अर्जन। उस साइकिल चलाने की क्रिया बच्चा धीरे धीरे करने लगा, यानी कि उसको याद रख रहा है कि हमको कैसे साइकिल को चलाना है, तो वो आपका हुआ मेंटेनेंस। अब उस साइकिल को बिल्कुल निपुणता के साथ में अच्छे से चलाने लगा,
तो वो आपका क्या होगा, प्रवाह या फ्लुएंसी होगा। कौशल को सटीक और तेजी से निष्पादित करना शिक्षार्थियों का लक्ष्य होगा कि कौशल को गति और सटीकता के साथ निष्पादित किया जाए, कौशल अधिक स्वचालित हो सके और शिक्षार्थियों को इसे निष्पादित करने के लिए कम संज्ञानात्मक प्रयास की आवश्यकता हो, कम याद रखने की आवश्यकता हो, बार बार उस क्रिया को इतना करवा दिया जाए, इतना अभ्यास करवा दिया जाए कि बच्चा उसको सटीकता से करने लगे। इसके बाद में सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन। वो साइकिल चलाना सीख गया, बाहर उसने किसी भी व्यक्ति को देखा साइकिल चलाते हुए, तो उसने क्या कर लिया, सामान्यीकरण कर लिया कि मैं भी इस साइकिल को चला लेता हूँ या ऐसी साइकिल को चला लेता हूँ, या साइकिल जैसी कोई दूसरी भी चीज़ देखी, मान लीजिए मोटरसाइकिल देख ली, तो उसको ये ज्ञात हो जाए कि मैं भी ऐसी चीज़ को चला लेता हूँ। यानी कि वातावरण में, विभिन्न संदर्भों में वातावरण में कौशल या ज्ञान को लागू करना। मान लीजिए हमने लाल रंग के बारे में बच्चे को सिखाया, तो बच्चा किसी भी दुकान पे गया और उसने लाल रंग की पहचान कर ली, वहाँ पर और भी सामग्रियाँ हैं लाल रंग की, उसने सारी चीज़ों की पहचान कर ली, तो ये आपका क्या कहलाता है, सामान्यीकरण कहलाता है, जनरलाइजेशन कहलाता है। तो जब भी कहे कि भाई सीखने के चरण तो आप कहोगे अर्जन, अनुसरण, प्रवाह और सामान्यीकरण, तो ये आपका कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अब यहाँ पर देख लीजिए सारांश में भी दे दिया गया है, अधिग्रहण क्या है यानी कि अर्जन क्या है, तो कहेंगे मार्गदर्शन और सहायता के साथ में नए कौशल पर ध्यान केंद्रित करवाना। रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस क्या है, कम लगातार सुदृढ़ीकरण के साथ में साथ के साथ कौशल को बनाए रखना और अभ्यास करवाना। प्रवाह क्या है, ये सटीकता के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करना। और सामान्यीकरण क्या है, जो भी विभिन्न संदर्भ लागू किए गए हैं उनको क्या करना, बच्चे को अनुकूलित कर लेना। तो ये आपका अर्जन, अनुसरण, प्रवाह और सामान्यीकरण कहलाता है। इसके बाद में अगर आपसे पूछ दे क्या भैया, क्या कहेगा, शिक्षण के सिद्धांतों की जब बात करेगा, तो हम कहेंगे तीन सिद्धांत हमारे, कॉन्क्रीट, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ये तीन हमारे जो होते हैं वो सिद्धांत होते हैं। इसमें से हम बात करें, ये सिद्धांत जो थे उन्होंने जेम्स ब्रूनर जी ने इसको दिया था, किसने दिया था, जोरेम ब्रूनर जी या जेम्स ब्रूनर जी हम कह सकते हैं। इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत उनके सीखने के मॉडल पर आधारित होते हैं। सिद्धांतों में प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभव और अमूर्त सोच पर जो है उसकी प्रगति को रेखांकित किया जाता है। पहला आपका ठोस, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्क्रीट, कहेंगे शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभव प्रदान कराना, छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव और व्यवहारिक अनुभव प्रदान कराना। यानी कि हम कह सकते हैं कि शिक्षार्थी भौतिक वस्तुओं के साथ में बातचीत करते हैं और अवधारणाओं को समझते हैं। यानी कि बच्चे को पहले मूर्त चीज़ों के बारे में बताना, उसके चरणों के बारे में सिखाना, जो चीज़ें दिख रही हों वास्तविक चीज़ें हों, वास्तविक मॉडल हों, भौतिक का भी प्रयोग हो रहा हो तो वो भी वास्तविक हो, तो ऐसी चीज़ों का हम लोग प्रयोग करेंगे जहाँ पर बच्चा स्पर्श करके और गति करके चीज़ों को सीखता होगा। ये हम कहेंगे आपका क्या कहलाएगा, आपका कॉन्क्रीट कहलाएगा। शिक्षण रणनीतियाँ कहेंगे वास्तविक वस्तुओं के द्वारा, मॉडलों के द्वारा, जोड़ों तोड़ों के द्वारा, यानी कि ब्लॉक, काउंटर और भौतिक उपयोग करके। इसके बाद में आपका दूसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं आइकॉनिक या प्रतिनिधित्वात्मक, प्रतिनिधित्व या प्रतिष्ठित अवस्था, कहेंगे दृश्य और सचित्र अभ्यावेदन के साथ में, दृश्य के साथ में किसी भी चीज़ को दिखा करके और चित्र के माध्यम से शिक्षार्थी की अवधारणाओं को समझने में मदद देना। इसमें शिक्षार्थी वस्तुओं, विचारों का प्रतिनिधित्व करेगा और छवियों और दृश्य की सहायता करके चीज़ों को उपयोग करेगा, जैसे कि चित्रों के माध्यम से, रेखाओं, चार्टोग्राफ के माध्यम से, और हम कह सकते हैं अवधारणाओं को समझने के लिए चित्र बनाना, मॉडलिंग करना, दृश्य सहायता का प्रयोग करना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो ठोस अनुभव और अमूर्त अनुभव के बीच की जो चीज़ होती है उसको यहाँ पर लाते हैं। भाई ना ही वो ठोस चीज़ है, ना ही वो मूर्त है और ना ही वो अमूर्त है। हमने मूर्त चीज़ में वास्तविक चीज़ों को हम लाते हैं, लेकिन अमूर्त चीज़ में हम लोग अवास्तविक चीज़ों को लाते हैं। चित्र में ना चित्र वास्तविक होता है ना अवास्तविक होता है, तो उसके बीच की जो
चीज़ होगी, कड़ी होगी, उसको हम लोग कहेंगे ये हमारा आएगा आइकॉनिक के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतीकात्मक अवस्था या सिंबॉलिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? SYMBOLIC यानी कि सिंबॉलिक की बात करते हैं। तो कहते हैं शिक्षार्थियों को अमूर्त प्रतीकों और अवधारणाओं को समझाना, इसके लिए बच्चे के साथ में सोच कौशल और तर्क का विकास करना, सोच कौशल और तर्क का विकास करना सीखना जो होगा वो अमूर्त होगा, जैसे संख्याएं, अक्षर, इसका प्रयोग जो होगा वो शामिल किया जाएगा इसमें। लिखित भाषा, प्रतीकात्मक निरूपण, जो ये है, ये चीज़ें शामिल होगी। हम गणित की बात करें तो बीजगणित जो है हमारे अमूर्त सोच पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर सकते हैं और जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया, ठोस में क्या है, जोड़ और घटाओ, वो भी ब्लॉक या किसी भी चीज़ के माध्यम से। प्रतिष्ठित में क्या है, यानी कि आपके आइकॉनिक में क्या है, तो चित्र रेखा के माध्यम से। और प्रतीकात्मक में क्या है भाई, तीन और दो को हमने जोड़ा, तो जोड़ने की पे जो हमें प्राप्त हुआ वो हमारा प्रतीकात्मक कहलाता है, अमूर्त कहलाता है। तो ये आपका यहाँ पर उदाहरण देख के भी समझा दिया गया। एक सेकंड, अरे भैया माफ़ कीजिएगा, थोड़ा इसको हमने टाइप नहीं किया, इसके आगे देख लेते थोड़ा। हाँ, इसके आगे टाइप है आपका, तो इसको हम ऐसे बता देंगे, जितनी भी चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं इसको हम ऐसे ही बता देंगे, हमको लग रहा कुछ मिस्टेक हो गई है। बात करते हैं टीचिंग मेथड की, बात करेंगे भाई टीचिंग मेथड की। तो टीचिंग मेथड में आपके, इसको हम लोग बोलते हैं पढ़ाने के तरीके, पढ़ाने के तरीके, पढ़ाने के तरीके में सबसे पहले आपका है मल्टी सेंसरी। मल्टी सेंसरी का मतलब ही है हम सभी संवेदनाओं के माध्यम से, यानी कि बच्चे को दिखाकर, सुनाकर, छुआकर, किसी भी चीज़ को देखकर, उसको सुनकर, उसको स्वयं से कर, उसका स्वाद लेकर, उसको स्पर्श करके हम क्या करते हैं, जिन चीज़ों को हम सीखते हैं तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, बहुसंवेदी शिक्षण के अंतर्गत आता है। इसमें आपका दूसरा दिया गया है प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड जब हम लोग बात करते हैं तो बात आती है भैया किलपैट्रिक की, किसकी आती है, किलपैट्रिक की। इन्होंने क्या परिभाषा दी प्लेवे मेथड के बारे में, इन्होंने कहा, किलपैट्रिक जी ने कहा भाई एक परियोजना पद्धति एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाले एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है या परियोजना विधि है, ये छात्रों को कई परियोजनाएं बनाने में मदद देती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, इसकी जो शुरुआत थी उन्होंने किसने की, जिसका हमने अभी नाम लिया, किलपैट्रिक जी ने की, जो एक व्यवहारिक व्यक्ति थे और भैया इस परियोजना के जनक माने जाते थे। सामाजिक वातावरण में चलने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि जो है वो हमारी क्या कहलाती है, परियोजना विधि कहलाती है, प्रोजेक्ट मेथड कहलाता है आपका। इसमें अगर हम लोग बात कर लें, इसके जो चरण हो गए इसको इन्होंने 5 चरणों में बांटा। पहले इसमें इन्होंने परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट को चयन करना, परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट का चयन। दूसरा भैया उचित योजना को बनाना। इसके बाद में परियोजना को निष्पादित करना, अभी समझा देंगे, परियोजना को निष्पादित करना और उसके बाद में उसका मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन करने के बाद में उसका रिकॉर्ड तैयार करना। परियोजना का चयन मतलब ये है कि जो भी आपको कार्य दिया जाए, 4 चीज़ें आपको मान लीजिए बताई जाए या 4 चीज़ें आपको करनी है, उसमें से आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ का चयन करोगे जो आपको सही लग रही होगी, उस चीज़ को करने के जो तरीके हैं
कैसे करना है हमको, कैसे उसकी योजना बनानी है, इसको हम लोग करेंगे। उसके बाद में हम उसका क्या करेंगे, निष्पादन करेंगे, उस क्रिया को करेंगे, और करने के बाद में हम मूल्यांकन करेंगे कि भाई इस क्रिया को हमने कितनी अच्छी तरीके से किया, क्या क्या कमियां रहीं, और उसके बाद में हम उसका रिकॉर्ड बनाएंगे। रिकॉर्ड में हम सभी चीज़ों को यहाँ पर रखेंगे कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ। ये क्या होता है, आपका परियोजना विधि करके सीखने पर जोर देता है, करके सीखने पर जोर देता है। आपका जो आपकी परियोजना विधि है, ये आपकी करके सीखने पर जोर देती है। अगर हम बात करें इसमें सोचने की क्षमता, कौशल, प्रत्यक्ष अनुभव जो है इसको बढ़ाने में मदद करता है। इसकी गतिविधि जो है छात्रों के द्वारा की जाती है, और भैया ये जो है एक समूह में साथ मिलकर के भी काम करने में प्रोत्साहित करता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, परियोजना विधि कहलाती है। इसके बाद में तीसरा क्या था, तीसरा था आपका मॉन्टेसोरी विधि। इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं अपने मॉन्टेसोरी विधि की, तो हम कहेंगे भाई मॉन्टेसोरी विधि जो है ये किसने दी, तो आप कहोगे सर ये जो थी अपनी मैडम मारिया, मैडम मारिया मॉन्टेसोरी, मैडम मारिया मॉन्टेसोरी जी ने मॉन्टेसोरी पद्धति दी। और कहा इन्होंने क्या कहा कि भाई जो ये अपनी शिक्षा है मॉन्टेसोरी शिक्षा, ये हम कह सकते हैं कि बच्चे जो अपने छोटे बच्चे होंगे, ये जब प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने के लिए जाएंगे, तो इनको हम सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा देना शुरू करें। मैडम मारिया मॉन्टेसोरी जी ने विशिष्ट जो भी आवश्यकता वाले बच्चे थे, इनको काफ़ी इन पर काम किया और इनकी देखरेख करने के लिए अपने मॉन्टेसोरी शिक्षण पद्धति को दिया। इन्होंने कहा कि जो हमारे 2 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, जो हमारे 2 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए गहन अध्यापन करवाने के लिए, उनको सिखाने के लिए ऐसी विधि बनाई जाए जो बच्चों के खेल, जो बच्चों के खेल, जो बच्चों के व्यक्तित्व, जो बच्चों के खेल व्यक्तित्व इसका विकास करे। इसके लिए भैया इनको क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए इन्हें प्रोत्साहित किया जाए। ये अपनी मैडम मारिया मॉन्टेसोरी जी इटली के रहने वाली, इन्होंने क्या कहा कि बालक की स्वतंत्रता पर इन्होंने बल दिया, बालक की स्वतंत्रता पर इन्होंने बल दिया कि बालक जो है स्वतंत्र रूप से पूरी तरीके से क्या करे, खेलना कूदना पढ़ना लिखना सीखे। और भैया इसको बालक को खेल क्रिया पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि बालक को हम जितना खेल खेल में सिखाएंगे, खेल खेल में उसको हम पढ़ाएंगे, तो क्या कर सकेगा, अच्छी तरीके से सीख सकेगा और शारीरिक क्रियाओं को करेगा। इन्होंने कहा कि बालक का सर्वांगीण विकास हो। जब बच्चा छोटा होगा तो वहाँ पर जब इस विकास की हम लोग बात करते हैं, यानी कि बालक के शारीरिक मानसिक बौद्धिक संवेगात्मक ये सभी प्रकार के जो विकास हैं उस पर इन्होंने बल दिया। तो ये आपका क्या कहलाता है, मैडम मारिया मॉन्टेसोरी जी का जो ये सिद्धांत था, जो इन्होंने ये पद्धति बताई, ठीक है। इसके बाद में हम लोग अगर गुण की बात कर लें, तो ये जो गुण है बच्चों को सीखने में बहुत लाभकारी होता है, इंद्रिय शिक्षा पर जोर देता है। इसमें क्या होता है, खर्च तो ज़्यादा होता है लेकिन बच्चा सीखता भी जल्दी है। तो ये चीज़ें मैडम मारिया मॉन्टेसोरी जी के द्वारा की गई। इन्होंने भाषा की शिक्षा की बात की, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा की बात की, और कर्मेंद्रियों की शिक्षा की बात की। तो ये अपनी कौन थी, मैडम मारिया मॉन्टेसोरी जी, आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है। इसके बाद में मैडम ये आपका बचा प्रोजेक्ट प्ले वे मेथड बचा, जिसको हम लोग खेल विधि के नाम से जानते हैं। प्रोजेक्ट मेथड आपको बता दिया, मॉन्टेसोरी बता दिया, मल्टीसेंसरी बता दिया, हाँ प्रोजेक्ट आपका हो गया था, ये आपका प्ले वे बचा। तो खेल विधि की जब भी बात करते हैं, तो खेल विधि के प्रवर्तक जो थे, खेल विधि के प्रवर्तक कर्ता जो थे वो थे हेनरी कॉल्डवेल कुक, हेनरी कॉल्डवेल कुक।
जो इसके प्रवर्तक थे उन्होंने प्लेवे मेथड को दिया और कहा कि भाई जो बच्चे हैं अपने जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ रूप से अगर हम खेल के द्वारा इनको सिखाते हैं तो ये इनका जो अधिगम है वो ज़्यादा स्थायी रहता है और ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति जो है वो बेहतर रूप से कर पाते हैं। इन्होंने खेल शिक्षा पर जोर दिया और बच्चों को खेलों के माध्यम से व्यवहारिक जीवन में बेहतर कर सकते हैं, उनको व्याकरणिक जीवन शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और जो हमारी उच्च कक्षाएं हैं उनमें हम बच्चों को सफल बना सकते हैं। तो ये अपने खेल विधि थी। इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ रीइन्फोर्समेंट टास्क एनालिसिस प्रॉम्प्टिंग फेडिंग शेपिंग और चेनिंग, तो ये आपकी क्या कहलाती हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज कहलाती हैं। क्या कहलाती है, शिक्षण की रणनीतियाँ। जब कहे शिक्षण की रणनीतियाँ क्या होंगी, सबसे पहले आपका नाम आएगा कार्य विश्लेषण का, जिसको हम लोग बोलते हैं टास्क एनालिसिस जिसको बोलते हैं, कहते हैं ये आपकी एक ऐसी विधि है जिसे देखिए हम क्या करते हैं, जब कक्षा में किसी भी चीज़ को हम पढ़ा रहे होते हैं, हम गए अपना लेसन प्लान बना करके ले गए और बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते समय जो भी कौशल हम बच्चे को सिखा रहे हैं उस कौशल को हम एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और उसको क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं और क्या करते हैं, उसका संचालन करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, टास्क एनालिसिस कहलाता है। किसी भी कार्य कौशल को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, उसको क्रमबद्ध लगाना या व्यवस्थित करना और उसके बाद में क्या करना, उसको सिखाना। तो ये आपका क्या कहलाता है, कार्य विश्लेषण कहलाता है। अगर हम बात करें, मान लीजिए हम बच्चे को सिखाने के लिए जा रहे कपड़ा उतारना या कपड़ा पहनना, तो कहते हैं भाई कपड़ा उतारने या पहनने के लिए हमें पता होना चाहिए उसका हाथ उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, तो कैसे हम पहले हाथ में डालेंगे फिर दूसरे हाथ में डालेंगे फिर बटन लगाएंगे, तो ये सारी चीज़ें इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बताएंगे, बार बार उसको सिखाएंगे। इसके बाद में हम लोग चेनिंग की बात कर लें, तो चेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, दो प्रकार की आपकी, एक आपकी फॉरवर्ड एक आपकी बैकवर्ड। तो जब हम लोग फॉरवर्ड की बात करते हैं तो कहते हैं इसमें क्या होता है, चरण पहले और अंतिम चरण जो है, इसमें जो चरण होगा वो पहले और अंतिम चरण जो होगा उसको हम बाद में क्रम व्यवस्थित करते हैं। जैसे मान लीजिए हम बच्चे को सिखा रहे हैं मोजे को निकालना सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोजे को एड़ी तक लाना, उसके बाद में क्या है भैया, मोजे को कह सकते हैं कि पंजे के नीचे लाना, देन हम क्या कह सकते हैं, मोजे को अंगूठे तक ले जाना, मोजे को अंगूठे से बाहर निकालना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको उतारना सिखाते हैं, एड़ी तक लाए फिर उसको और थोड़ा नीचे ले गए फिर और नहीं ले गए। बैकवर्ड में क्या करते हैं हम लोग, जो अंतिम चरण है वो पहले करेंगे और जो प्रथम चरण है उसको व्यवस्थित रूप से बाद में करेंगे। यानी कि सबसे पहले मोजे को अंगूठे से बाहर निकालना, मोजे को पंजे से नीचे लाना, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। शेपिंग आपका क्या कहलाता है, मिलता जुलता लक्षित व्यवहार किया जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, शेपिंग कहलाता है। यानी कि लगभग लक्ष्य के अग्रसर होते हुए जो व्यवहार किया जाए, हम कह सकते हैं प्रयोग में किए जाने वाले उपकरण सरल और जटिल भी हो सकते हैं, इसमें क्या किया जाता है, पुनर्वलन का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, शेपिंग कहलाता है। शेपिंग में व्यवहार का चयन किया जाता है, वर्तमान में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किए गए जो भी व्यवहार है उससे संबंधित होता है, इसमें पुरस्कारों का चयन किया जाता है और बच्चे को पुनः जो लक्षित व्यवहार है उसको दिया जाता है। मॉडलिंग में कह सकते हैं, मॉडलिंग में हम लोग कहते हैं कि भाई बच्चे को मॉडलिंग करके, जैसे कि पीटी अगर बच्चे को सिखानी है तो बच्चे को हम वास्तविक चीज़ों के द्वारा हम लोग क्या प्राकृतिक वातावरण में व्यवहार को सिखाते हैं, तो आपका क्या कहलाता है, मॉडलिंग कहलाता है। प्रॉम्प्टिंग की अगर बात कर ले तो हम लोग कहते हैं बच्चे को हम लोग फिजिकल प्रॉम्प्ट देते हैं, शारीरिक सहायता, बच्चे को हम लोग जेस्चर प्रॉम्प्ट देते हैं, बच्चे को हम लोग कहते हैं कि भाई फिजिकल हो गया जेस्चर हो गया, बच्चे को हम लोग सांकेतिक सहायता देते हैं, यानी कि वर्बल प्रॉम्प्ट भी देते हैं
और भैया बच्चे को हम लोग फिजिकल हो गया जेस्चर, हाँ ये सारे आपके होते हैं। तो हम कहते हैं भाई फिजिकल जब देते हैं, जब बच्चा को हमको खुद से पकड़ा के कराना होता है, जब बच्चे को संकेत दे देते भाई ये आपको करना है तो बच्चा कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग फिजिकल प्रॉम्प्ट, जेस्चर प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट का प्रयोग करते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, प्रॉम्प्टिंग कहलाती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सहायता देना किसी भी रूप से, चाहे हम शारीरिक सहायता दे रहे हो, सांकेतिक सहायता दे रहे हो, और चाहे हम उसको शाब्दिक सहायता दे रहे हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने 1.4 की। तो 1.4 में आपका क्या है, सिलेक्शन एंड यूज ऑफ TLM, यानी कि शिक्षण और शिक्षण सामग्री में TLM का चयन और इसका उपयोग। तो TLM का महत्व क्या होता है, हम कहते हैं भाई जब भी किसी भी चीज़ को हम बच्चे को सिखाते हैं तब हम अपना TLM यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, या हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होती है, ये वास्तविक रूप से या हम लोग कह सकते हैं चित्र के माध्यम से, फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से बच्चे को हम लोग सिखाना पसंद करते हैं। ये क्या करता है, सीखने को बढ़ाता है। TLM क्या करता है, सीखने की चीज़ को बढ़ाता है। जैसे कि हम लोग अगर TLM की बात करें तो कहते हैं भाई ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से बच्चे को हम लोग दृश्य श्रव्य के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, कह सकते हैं कि मेले में, रसोई घर में, प्रदर्शनियों के माध्यम से, ये सारी चीज़ें जो हैं अपने TLM के अंतर्गत आती हैं। तो इसका महत्व क्या होगा, कहेंगे सीखने को बढ़ाता है, सीखने में जो अवधारणाएं हैं उसको ठोस बनाता है, और छात्रों को बेहतर जानकारी देता है जिससे कि छात्र क्या बन सके, बेहतर मिल सके। छात्रों को जोड़ता है, यानी कि छात्रों के लिए विभिन्न अलग अलग अधिगम शैलियों को पूरा करता है और छात्रों को जोड़ता है। क्या होता है, TLM से जब बच्चे को सिखाते हैं तो बहुत आकर्षक तरीके से बच्चा सीखता है, आसानी से बच्चा सीखता है। खास करके अगर हम बौद्धिक अक्षम की बात करें तो क्या होता है, वो सरल भाषा में काफ़ी आकर्षक और रुचि लगा करके चीज़ों को सीखता है। जब हम किसी रंगीन TLM का प्रयोग करते हैं, किसी आकर्षक TLM का प्रयोग करते हैं, तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। विभेदिक निर्देशन की सुविधा देना, यानी कि TLM शिक्षकों को छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश और इसका अनुकूलन में अनुमति दे। इसके लिए सक्रिय अधिगम का समर्थन करना, यानी कि सामग्री छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सामग्री के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करती हो। TLM के चयन की बात करें तो भैया ऐसा TLM होना चाहिए जिसका कोई उद्देश्य हो। TLM जो है बच्चे की आयु के अनुसार होना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार होना चाहिए। TLM कैसा होना चाहिए, तो कहेंगे सामग्री जो है ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो छात्रों की विविध पृष्ठभूमि और सम्मान को प्रतिबिंबित करे। सटीकता होनी चाहिए। TLM के प्रकार अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई दृश्य सहायता के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, विजुअल ऑडियो के माध्यम से, पाठ्यपुस्तक सामग्री के माध्यम से, अभी मैंने इसी वीडियो में आपको तुरंत बताया, इंटरेक्टिव गतिविधियों के माध्यम से जो है इसका हम लोग कार्यान्वयन कर सकते हैं और इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। रणनीतियाँ क्या होंगी, पाठ्य योजना का एकीकरण, इसमें सीखने के उद्देश्य को बढ़ावा मिलेगा और TLM को पाठ्य योजना में शामिल किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा। इंटरेक्टिव और व्यवहारिक शिक्षण अनुभव, प्रतिक्रिया और अनुकूलन करके भाई क्या होगा, जब एडप्टेशन हम लोग बच्चे को देंगे तो बच्चा और बेहतर रूप से सीखेगा, चीज़ों को और अच्छा करेगा। इसके बाद में ICT की बात कर ले, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर ले। ICT की जब बात करते हैं तो कहते हैं भाई ICT से होता क्या है कि हम डिजिटल साक्षरता पर आजकल निर्भर हो गए हैं। जैसे बच्चा लैपटॉप से चीज़ों को सीख रहा है, बच्चा टैबलेट से सीख रहा है, बच्चा इंटरेक्टिव गतिविधियों के माध्यम से सीख रहा है, बच्चा क्या है किसी भी क्लासरूम में इंटरेक्टिव लर्निंग कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, व्याख्यान कर रहा है। तो किसके माध्यम से आपका हो रहा है, सभी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई लैपटॉप इन सभी चीज़ों का हम लोग क्या कर रहे हैं, नई संचार प्रौद्योगिकी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें ICT के लाभ क्या होंगे, कहेंगे सीखने के अनुभवों को बढ़ाया जाएगा, यानी कि ICT गतिशील और संवादात्मक सीखने के अनुभव को बढ़ाएगा, सूचना तक पहुंच को बढ़ाया जाएगा, यानी कि विशाल मात्रा में सूचना और संसाधनों का उसकी पहुँच को बेहतर करना। सहयोग क्या मिलेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, टूल के माध्यम से सहयोगी बनाया जा सकेगा। व्यक्तिगत शिक्षण, ICT व्यक्तिगत छात्रों की जरूरतों को पूरा करेगा और सीखने के लिए अनुकूल होगा। ICT टूल का चयन उपयोगकर्ता के लिए अनुकूलन करना,
यानी कि जो भी उपकरण यहाँ पर शिक्षकों के लिए शामिल किया जाएगा वो आसान हो, बेहतर हो, और भैया जो भी शैक्षिक प्रयोग किया जाए वो कैसा हो, काफ़ी सरल हो। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपको आईसीटी में देखने को मिलती हैं। प्रकार की अगर बात करें तो शिक्षण प्रणाली, प्रबंधन प्रणाली, इसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी। इंटरेक्टिव गतिविधियाँ, जिसमें ये आपका आ जाएगा। इसके बाद में शैक्षिक सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। संचार उपकरण में आपको ये सारी चीज़ें, ऑनलाइन माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं 1.5 की बात करेंगे भाई, इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे पहले, मूल्यांकन में आपका बात करेगा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन की, CCE की। और पेपर में आपसे CCE का फुल फॉर्म या CCE के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट भी है। कहेंगे इसकी परिभाषा क्या होगी, सतत और व्यापक मूल्यांकन एक समग्र मूल्यांकन प्रणाली है जो जिसे छात्रों के विकास के लिए सभी पहलुओं के मूल्यांकन के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। नियमित मूल्यांकन के माध्यम से छात्र को सीखने में पढ़ना, कॉन्टिन्यूस यानी कि सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन, नियमित मूल्यांकन बच्चे का होगा तो बच्चे को सीखने में बढ़ावा मिलेगा। व्यक्तिगत ताकत और कमजोरियों की पहचान करना, छात्रों और अभिभावकों को समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करना, क्या होता है इसका महत्व क्या होगा, मूल्यांकन के कई रूपों में उपयोग करके परीक्षा के तनाव को कम करना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व क्या होगा, समग्र विकास बच्चे का करना यानी कि बच्चे का संज्ञानात्मक, भावात्मक और जो भी मोटर कौशल है, यहाँ पर थोड़ा इसको, जो मोटर कौशल है वो बच्चे का बेहतर करना, बच्चे की निरंतर निगरानी करना, उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरियाँ क्या है इसको पहचानना, उसकी निगरानी करना, सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, विद्यार्थियों की जो गलतियाँ हैं उनको सुधारने के लिए हम फिर से उनको बेहतर बनाएंगे, फिर से उनको सिखाएंगे, और भैया बच्चों के लिए आनंदमय जो भी सिखाया जाए वो आनंद के तरीके से सिखाया जाए, प्रोत्साहित करके सिखाया जाए और तनाव को कम किया जाए। तो ये आपको CCE के अंतर्गत देखते हुए मिलता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के घटक तो हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, जहाँ पर हम लोग कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन में हम लोग साप्ताहिक बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, मासिक और तिमाही परीक्षा दे सकते हैं। आकस्मिक मूल्यांकन, कक्षा में कभी भी हम पहुँच गए और कभी भी हमने बच्चे से कुछ भी पूछ लिया तो ये आपका आकस्मिक मूल्यांकन। परियोजना कार्य, हमने कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया बच्चे को, उसका मूल्यांकन कर लिया और बच्चे का जो प्रदर्शन है उसको देख करके हमने मूल्यांकन किया तो प्रदर्शन मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन में, कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन में, वो आपका सतत था, ये आपका कॉन्टिन्यूस था यानी कि सतत था, और ये आपका व्यापक मूल्यांकन। इसमें विषय वस्तु के ज्ञान और समझ का मूल्यांकन करना, गैर शैक्षणिक मूल्यांकन, खेल, कला, संगीत, नैतिक मूल्यांकन इसके माध्यम से करना, और भैया बच्चे को आत्मविश्वास, नेतृत्व कौशल और इसका विकास करना, बच्चे की प्रगति की निगरानी करना, उसका दस्तावेजीकरण करना यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा या सबमेटिव असेसमेंट होगा, जो हम लोग कह सकते हैं कि कभी भी छोटे छोटे मूल्यांकन के रूप में, और ये आपका सत्र के लास्ट में अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा के रूप में, उसका फीडबैक देना कि भाई कैसे कैसे क्या क्या प्रतिक्रिया की गई, उसको फीडबैक देना, और रिपोर्ट कार्ड तैयार करके बच्चे को देना। डॉक्यूमेंटेशन में बच्चे के हम पोर्टफोलियो जो है वो तैयार कर सकते हैं, विद्यार्थी के कार्य, परियोजना और डिजिटल रूप से जो भी साक्षरता, कागजी रिकॉर्ड जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी की शैक्षिक और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना, ग्राफ और चार्ट के माध्यम से डेस्क का उपयोग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो भी प्रणाली है विद्यार्थी के समग्र विकास को बढ़ावा देती है और सीखने की यात्रा को जो है अधिक प्रभावी और आनंदमय बनाती है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति जो होती है वो बेहतर होती है और बेहतर रणनीतियाँ यहाँ पर मिल सकती हैं। तो अगर भैया वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों के पास में। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।